दोस्तों आप सभी जानते होंगे Xiaomi Redmi Note 5 Pro जो निकला था फास्ट फोन, जो कि रहेगा स्नैपड्रैगन का 636 वाला प्रोसेसर वाला फोन फास्ट निकाला था जो कि Xiaomi कंपनी ने। तो अभी Asus भी Zenfone M1 Pro जो लॉन्च कर दिया स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर वाला फोन। आज की इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं Asus Zenfone Max Pro एंड Redmi का Note 5 Pro के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक, आप देख रहे हैं टेक्निकल प्रतीक यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं फास्ट बात करते हैं Xiaomi का Redmi Note 5 Pro एंड Asus का Zenfone M1 का स्क्रीन साइज से। तो आज Redmi का Note 5 Pro जो है इधर 5.99 इंच का मिलता है, जहां पर आपको 18:9 रेशियो का डिस्प्ले मिलेगा। जहां पर इधर आपको Asus का Zenfone Pro है उधर भी आपको 5.99 इंच वाला डिस्प्ले मिलता है, इधर भी आपको 18:9 रेशियो का मिलता है। डायमेंशन की बात करें तो आपको इधर Redmi Note 5 Pro में 158.6 × 754 × 8.05 का mm का डायमेंशन मिलेगा, जहां पर आपको इधर Zenfone Pro में 156 × 76 × 98.0 का mm मिलेगा। वेट की बात करें तो आपको इधर Redmi Note 5 Pro 181 ग्राम का रहेगा, जहां पर आपको Max Pro का ग्राम 180 रहेगा। 181 कैसे रहेगा मेरे को पता नहीं। रिजोल्यूशन की बात करें तो आपको जो 1080p जो कि है तो फुल HD, जहां पर आपको इधर Zenfone Pro में भी फुल HD का ऑप्शन मिलता है। पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो आपको इधर 403 PPI का पिक्सल डेंसिटी मिलता है Redmi का Note 5 Pro में, जहां पर आपको इधर Zenfone Pro Max Pro में मिलता है 405 PPI का। इधर आपको डुअल फ्लैश मिल जाएगा, इधर आपको फ्रंट फ्लैश एंड बैक फ्लैश मिलेगा, जहां पर आपको इधर Redmi का Note 5 Pro जो है इधर आपको डुअल LED फ्लैश मिलता है, और जहां पर आपको Asus का Zenfone Max Pro में सिंगल LED फ्लैश मिलता है। उसके बाद बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम इधर आपको Redmi का Note 5 Pro जो है इधर आपको MIUI डिवाइस है, जहां पर आपको Zenfone Pro इधर आपको UI तो थोड़ा थोड़ा होता है Gen UI, बट इधर आपको स्टॉक एंड्रॉइड का फीचर मिलता है, जहां पर आपको इधर एंड्रॉइड 8.1.2 का पहले अनबॉक्स मिल जाएगा। जहां पर आपको इधर Redmi का Note 5 Pro है इधर आपको 7.1.2 मिलेगा, एंड ये आपको जो MIUI वर्सन है और Redmi कंपनी जो है इधर आपको 100% ज्यादा और सिक्योरिटी पैच लेवल ज्यादा नहीं देता है, इधर आपको MIUI को ज्यादा कस्टमाइज करता है, इसलिए आपको कब ओरियो मिलेगा पता नहीं, बट कंपनी का दावा है कि बहुत जल्दी ओरियो मिल जाएगा। एंड इस दोनों फोन में आपको फेस अनलॉक का फीचर मिलता है, फेस अनलॉक तो आजकल कॉमन हो गया। उसके चिपसेट की बात करें तो आपको जो प्रोसेसर मिलता है स्नैपड्रैगन का 636, जहां पर आपको Zenfone Max Pro में मिलता है स्नैपड्रैगन 636। ये लॉन्च हुआ है Redmi का Note 5 Pro थोड़ा एग्रेसिव प्राइस पे लॉन्च नहीं किया, 14,000 कर दिया 4GB रैम, जहां पर आपको इधर Zenfone Max Pro 13,000 में 4GB रैम मिलता है। कैमरा की बात करें तो आपको इधर रियर कैमरा 12 MP का मिलेगा Redmi का Note 5 Pro में, जहां पर आपको इधर Zenfone Max Pro में 13 MP का रियर कैमरा मिलता है। एंड फ्रंट कैमरे की बात करें तो आपको इधर Redmi का Note 5 Pro में Vivo Oppo का जरा हो गया 20 MP का फ्रंट कैमरा दे दिया, जहां पर आपको इधर Max Pro Asus का इधर आपको 5 MP का फ्रंट कैमरा देता है। आपको दोनों फोन में फ्रंट LED फ्लैश देखने को मिल जाएगा। बैटरी की बात करें तो आपको इधर 4000 mAh का बैटरी मिलता है Redmi का Note 5 Pro में, जहां पर आपको इधर Asus का Zenfone Max Pro में 5000 mAh बैटरी देता है, बट ग्राम वेट का बात करें तो आपको इधर 180 ग्राम मिलता है, जहां पर आपको Redmi का Note 5 Pro 181 ग्राम रहता है। फिंगरप्रिंट आपको दोनों में पीछे तरफ देखने को मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट बहुत ही सेंसिटिव है एंड बहुत ही अच्छा डिटेक्ट करता है। सिम स्लॉट की बात करें तो आपको जो Redmi का Note 5 Pro है इधर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलेगा, अगर आप दो सिम घुसाते हैं तो आप चिप नहीं घुसा सकते। एंड जो आपका Max Pro है Asus का इधर आपको ट्रिपल स्लॉट मिलता है, जहां पर आपको दो नानो सिम और एक मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हैं। प्राइसिंग थोड़ा एग्रेसिव रखा है Asus, बहुत ही अच्छा है कि ऐसी ऐसी कंपनी हमारा इधर लॉन्च करने से तो हम लोग का पैसा इतना फुकड़ में नहीं जाएगा, हम लोग ठीक से चूज कर सकते हैं कौन सा कंपनी ले, क्योंकि Redmi जो फोन है इधर आपको Redmi जो कंपनी है उधर स्नैपड्रैगन का हर टाइप आपको लेटेस्ट देता है। हम लोग सोच रहे थे कि मोटो भी अच्छा लॉन्च करेगा, मोटो का G6 सीरीज में अच्छा सा फोन लॉन्च किया, बट प्रोसेसर इतना अच्छा नहीं किया स्नैपड्रैगन 625 से स्नैपड्रैगन 630 किया, जो कि इतना कमाल का प्रोसेसर नहीं है। 636 बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, ये दोनों कंपनी ने फास्ट जो 636 प्रोसेसर चुना है। यार को CPU इधर आपको मिल जाता है 8 कोर 1.8 गीगाहर्ट्ज के ऊपर बेस्ट है, 64 बिट प्रोसेसर है CPU, एंड आपको इधर Zenfone Max Pro में भी 1.8 गीगाहर्ट्ज का ऊपर चलेगा। एंड आपको GPU इधर मिल जाता है Qualcomm Adreno का 509 GPU, एंड आपको इधर सेम कोर है Zenfone में भी 509 GPU मिलता है। एंड इधर आपको
फिंगरप्रिंट तो दोनों तो, और सेंसर की बात करें तो आपको इधर सभी तरह का इंपोर्टेंट सेंसर मिल जाता है, जायरोस्कोप हो जाए, प्रोक्सीमिटी हो जाए, मैग्नेटोमीटर हो जाए, स्टेप डिटेक्टर हो जाए, स्टेप काउंटर हो जाए, सभी तरह का इंपोर्टेंट सेंसर आपको इधर देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं थोड़ा कॉन्स का, दोनों फोन का कॉन्स थोड़ा थोड़ा सा निकलेगा। इधर आपको जेनफोन मैक्स प्रो जो है, कॉन्स तो इतना देखने को नहीं मिलता है क्योंकि हम लोग इधर कुछ नहीं कर सकते। 11,000 का अंदर इधर आपको देता है स्नैपड्रैगन 636, जहां पर आपको रेडमी देता था रेडमी का नोट 5 में स्नैपड्रैगन का 625, 11,000 में। और 18:9 तो कॉमन हो गया, सभी तरह के फोन में इधर 18:9 डिस्प्ले का मिलता है। इधर आपको इधर एंड्रॉइड का 8.1.2 मिलता है जो की रेडमी नहीं देता है। एंड रेडमी का नोट 5 प्रो में है, मेरा एक तो अच्छा लगा उसका, इधर प्रोज में बोल सकता हूँ। इधर आपको रेडमी का जो नोट 5 प्रो है, आपको इधर दोनों फोन में तो मेटल बॉडी मिलता है वो तो हम लोग को पता है, बट रेडमी का जो नोट 5 प्रो इधर आपको प्रोसेसर जो लगता है स्नैपड्रैगन जो कालकॉम जिसको बोलते हैं उसका आपका ऊपर ये तो ग्राफाइट शीट लगा रहता है, जो कि ज्यादा यूट्यूबर नहीं बोलते हैं, इसको कोई मार्क नहीं किया है, बट ये ऑफिशियल साइट MI स्टोर आप जाने से इधर आप देख सकते हैं एक तो ग्राफाइट शीट लगा हुआ है। ग्राफाइट शीट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ग्राफाइट शीट ये है कि आप अगर अपना फोन चलाते हैं तो फोन हीट होता है, ऐसे कोई बात नहीं कि सभी तरह का फोन खाली ठंडा रहता है, सभी अंदर में तो हीट आता रहेगा, कोई मशीन तो रन हो रहा है। जो ग्राफाइट शीट है ना वो आपको जो हीट जनरेट होता है आपके प्रोसेसर में वो हीट को कैप्चर करके आपको सभी तरह के मतलब के बॉडी में फुल फैला देता है, जो कि आपको हाथ में जो फोन पकड़ते हैं आपको मेटल में तो मेटल तो हीट ऑब्जर्व करता है, आपको हीट मिलेगा बट आपका प्रोसेसर हीट नहीं होगा, आपको प्रोसेसर कूल होगा। फोन में मेन चीज क्या है, प्रोसेसर। सभी तरह का मतलब टीवी हो जाए कि लैपटॉप हो जाए, मेन तो होता है प्रोसेसर। प्रोसेसर खराब होने से आपका टीवी नहीं चलेगा कि लैपटॉप नहीं चलेगा, इसलिए ग्राफाइट शीट लगा है जो कि फास्ट कंपनी रेडमी ने, तो ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। ग्राफाइट शीट के लिए 15,000 लगता है, कुछ ज्यादा नहीं हो गया क्या, देखते हैं ये अगर ये प्राइस घटाए तो घटाता है तो कुछ होता है, बट रेडमी तो हमारा इधर नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड बन के बैठा है। तो इसका कॉन्स तो रेडमी नोट 5 प्रो में मेरे को कुछ देखने को नहीं मिलता है, इधर आपको स्लीपर इधर देखने को मिलेगा। एंड जेनफोन का मैक्स प्रो मेरे को एक तो बहुत ही अच्छा लगा, आपको इधर साउंड जो मिलता है, इधर आपको इधर एक्सटर्नल एक तो बॉक्स दिया है जो कि आप लगा के आपका फोन का एम्पलीफायर है, आपको लगा के आप अपना साउंड को बढ़ा सकते हैं, ये तो बहुत ही अच्छा है। बट कवर नहीं दिया जो कि रेडमी नोट 5 प्रो देता है, कवर क्या बात क्या करें यार। तो ये था मेरा कुछ ओपिनियन एंड मेरा था थोड़ा छोटा सा कंपेरिजन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। तो फिलहाल इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।